और वही प्रॉपर्टी मेरे को 22/5/2019 को बिक गई, जिसका पजेशन मेरे पास चला आ रहा है और उसके बिजली का बिल हमारे पास में है। तो इस तरह कैसे पॉसिबल है कि कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड भी करा दिया जाए और उसको बैंक में मॉर्गेज भी करा दिया जाए। जयपुर की प्रार्थी जैना जैन और सौरभ छाजेड़ ने धोखाधड़ी के मामले में सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया मुकदमा। 28,90,000 रुपए लेने के बावजूद भी अजमेर निवासी शेखर चंद्र सचेती और श्रेयांग सचेती नहीं करा रहे रजिस्ट्री। ग्रीन पार्क जनता कॉलोनी पुलिस थाना आदर्श नगर जयपुर निवासी श्रीमती जैना जैन पत्नी सौरभ छाजेड़ ने सिविल लाइन थाने में अपने साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम ने बताया कि उक्त रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 420 406 में मुकदमा दर्ज कर अर्जुन राम द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अजमेर के बधिर विद्यालय वैशाली नगर निवासी शेखर सचेती और श्रेयांग सचेती ने उनसे एक प्रॉपर्टी का सौदा 28,90,000 रुपये में किया। पैसा लेने के बावजूद भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई और न ही प्रॉपर्टी हैंडओवर की। वहीं इससे पूर्व उन्होंने उस प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम गिफ्ट डीड कर दिया, साथ ही बैंक में मॉर्गेज भी करा दी गई। इस तरह से प्रार्थी के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये परिवार या श्रीमती जैना जैन वाइफ ऑफ सौरभ छाजेड़ जाति जैन निवासी E702 ग्रीन पार्क जनता कॉलोनी पुलिस थाना आदर्श नगर जयपुर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की और बताया कि मैंने 22/5/2019 को शेखर चंद सचेती से इकरारनामा किया था और इकरारनामे के पेटे मैंने 28,00,000 रुपये अदा किए थे। उस दिनांक के बाद मैंने कई बार शेखर चंद सचेती जी को कॉल करती रही, पर आज दिनांक तक मेरे पक्ष में उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री मेरे हक में नहीं करवाई, जिस बाबत उन्होंने कल यहाँ पेश हो गए थाने पर और प्रथम सूचना रिपोर्ट 420/406 में दर्ज कराई, जिसकी जांच मेरे स्वयं द्वारा की जा रही है। हाँ, वो 420/406 वो तो अनुसंधान से ही पता पड़ेगा, धोखाधड़ी की कि नहीं की, क्या है क्या नहीं, वो तो जांच से पता पड़ेगा। परिवादी कौन है, कहाँ पर? परिवादिया तो जयपुर की हैं श्रीमती जैना जैन और अपराधीगण हैं जो अजमेर के हैं शेखर चंद्र सचेती जो बधिर विद्यालय के पीछे वैशाली नगर रहते हैं। वहीं अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी देते हुए सौरभ छाजेड़ ने बताया कि उस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस मामले में दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही धमकाया भी जा रहा है, जबकि वह भी पूर्व में जयपुर भाजपा का उपाध्यक्ष रह चुका है। मेरे साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है और वो एक कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने करी है और मेरे साथ जो है मुझे वो उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी शेखर 22/5/2019 को शेखर चंद संचेती और श्रेयांग संचेती ने और 28,90,000 रुपये एकमुश्त मेरे से ले लिए और इस तरह से हमारे साथ धोखा किया है। और कुछ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम लेके भी मेरे को थोड़ी धमकीबाजी भी करी है उसने कुछ दिन पहले, तो मैं ये सारी बातें मीडिया के सामने लाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है और उसने वही प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज कर दी और 18/1/2019 को उन्होंने शेखर चंद संचेती ने श्रेयांश संचेती के नाम गिफ्ट डीड करा दी और उस गिफ्ट डीड को उन्होंने मॉर्गेज कर दी और वही प्रॉपर्टी मेरे को 22/5/2019 को बिक गई, जिसका पजेशन मेरे पास चला आ रहा है और उसके बिजली का बिल हमारे पास में है। तो इस तरह कैसे पॉसिबल है कि कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड भी करा दिया जाए और उसको बैंक में मॉर्गेज भी करा दिया जाए और हम जैसे भोले भाले सीधे साधे आदमियों को फंसा दिया जाए? तो इस पर मुकदमा दर्ज कराया आपने? इस पर हमने सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और ये थोड़ा बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है और हम सीधे लोग हैं तो हम 28,90,000 फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। 22/5/2019 को हमने एकमुश्त इसको 28,90,000 रुपए दे दिए हैं। हम फैसला चाहते हैं, हम सीधे लोग हैं, हम कानून से न्याय चाहते हैं, उसके लिए हमने मुकदमा भी दर्ज करा दिया और मुझे कानून पर पूरा भरोसा है कि इस तरह से फ्रॉड करने के वालों के साथ में कानून भी उसी तरह से कार्रवाई करेगा।